हम लोगों को साई धाम में 75 रूम नंबर मिला है। 75 हम लोग एंट्रेंस ले रहे हैं, ये रूम मिला हम लोगों को साई धाम। और ले सामान है बाहर, सामान बाहर है, अभी सामान बाहर निकालो। लाइट जला, ये एसी रूम है, ट्रिपल बेड है इसमें। हाँ हम पिछली बार भी ऐसे ही देखे थे ना, पहले नहीं ने बोलने लगे। हाँ यहाँ का लैट्रिन बाथरूम एसी रूम है ये पूरा। हाँ एसी कहाँ का आ रहा है, ये एसी लगा है, एसी है चालू होगा, हम लोग जोड़ते नहीं एसी। चलिए अब दर्शन पर कर, चलो नहाओ धो, हम वो नहा लें, कागज पर रखी रहो, ये अलॉटमेंट कागज है। हाँ डेली का है, सब का हाँ डेली का होता ही है, बस कुर्सी चेयर सब दोस्त है। नहीं नहीं हम लोग इस समय शिरडी में भक्त निवास में रूम मिल गया है, और इस समय जो है शिरडी में भक्त निवास में जा रहे हैं। ये भक्त निवास का पूरा कैंपस है, एसी रूम मिला है 600 रुपये में, एक मिनट अभी दिखाते हैं। हम लोग शिरडी में है, भक्त निवास पे चाय 2 रुपया, काफी 3 रुपया, दूध 3 रुपया। भक्त निवास से भी दिखाते हैं, चाय मिलेगी नहीं है, चाय काफी कुछ है नहीं, थोड़ी देर 10-15 मिनट मिलेगा। अच्छा अभी क्या मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा। अच्छा पानी बोतल 10 मिनट मिलेगा ना। ये हम लोग भक्ति निवास जा रहे हैं कमरे में अपने, से लोग बैठे हैं, कुछ लोग रूम नहीं मिला है, बाहर बैठे हैं, रूम मिलेगा तो अंदर जाएंगे। हम लोगों को रूम मिल गया, जनरल रूम 250 का था, एसी रूम 600, ढाई वाला रूम नहीं मिला किसी को, एसी भी नहीं मिल रहा था किसी को। हम लोग मिलेगा किस तरह से, हर ब्लॉक का बना है ABCDEFG ब्लॉक में से, यहाँ 1000 कमरे हैं। ऊपर है, ऊपर ए ब्लॉक में 75 है। लिफ्ट से चलेंगे, लिफ्ट से ऊपर जा रहे हैं, तो आ जाओ, आना है क्या आपको, कैसे होगा। दो नंबर पे मतलब इसमें ए है,
उधर वाले हैं, उधर वाले। इसमें सब अलग अलग रूम बने हैं, सारे एसी रूम हैं, सबका नंबर अपना अपना अलग अलग है। यहाँ का वो है बोर्ड, 75 नंबर हमारे रूम का है, 73 ए खोलो। हर्ष की मम्मी अंदर रूम में, खोलो। मम्मी नहा रही थी रूम में, नहा के तैयार होता है। कोई नहीं, नहीं ऐसे रिकॉर्डिंग कर रहे, कोई नहीं, कोई नहीं रिकॉर्डिंग कर रहे। हाँ हम लोग आ गए रूम में, देखो ये रूम किस, ये रूम है, ए सी रूम है पूरा, इसमें 3 बेड लगे हैं। किसी दिखा नहीं रहे, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। ये लोग नहा धो के पसा रहे हैं कपड़ा, कुर्सी 2 टन मिली है, और ये अब लोग सामान रख दिए हैं। हाँ हाँ पता कर लिया, ये बाथरूम है, ये इसमें गर्म पानी आता है, ठंडे पानी आता है, ये लाल वाले में गर्म, ये लैट्रिन है। ये बेसिन है, शीशा है, लाइट है, सब व्यवस्था है। इससे बाहर जो है बस इतना ही है देखने के लिए, बाहर खिड़की है। हम लोग जाएंगे दर्शन करने, ठीक। ये एसी लगा है, एसी भी लगा है, 600 तो रिकॉर्डिंग हो रहा है, रुको। हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, शनि सिगरा में हम लोग दर्शन चढ़ाइए, तब यहीं चढ़ाइए। चढ़ा दो, समझ में चढ़ाओ ना, आप भी थोड़ा चढ़ा दीजिए। चढ़ाओ चढ़ाओ चढ़ाओ, शनि सिगरा, चलो जल्दी चलो। इधर देखो, इधर भी देखो, शनि सिगरा। वो तेल गिर रहा है वहाँ, यही खड़े, यही यही देखो, हम फोटो चला पूरे चला।
अरे सर तुमको फोटो करनी भगवान की देखिए दूसरा ना बदरेगा लीजिए चलिए आइए चढ़वाइए मुंह मोबाइल रखिए ना चलो क्या चढ़ाए और नहीं आ रही मगर चलो भीड़ जाग गए ना यहाँ चलो भीड़ चलो आगे चलो चढ़ाना चढ़ा दो ना। अरे तो हम क्या चढ़ाए तुम्हें चढ़ाए चलो थोड़ा आगे भी चलते रहे भैया पत्थर तो तेल लो चलो फूल आना चलो ना निकलन दे तो ए इधर भी ले ए ए लागे आ जा चल चल छुआ के रख चलो छुआ के रख ले लो ले जाना है ना आ जाओ ऊपर सुनो वहाँ आओ फोटो खींचा फोटो खींचा नहीं खिंचाएगा जी ना रुको शनिदेव मंदिर में आओ चलो आओ चलो आओ इधर से वैसे निकलना आ जाओ चलो उधर से जाना है कहाँ इधर नहीं कुछ है चलो आओ उधर जाना आओ आओ आ जाओ आओ चलो हाँ वही है मना रहे हाँ चलो समझ में आ जाओ आ जाओ ए आओ आ जाओ चलो नया साल का मना रहे हैं लोग ए कल कहाँ सट रहा लो एक का नहीं अब नहीं क्या हुआ चपक जाएगा आवा, आवा।
सिक्का तुम्हारा वाला है ना, नहीं चलो 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 आ जाओ चलो। हम लोग कैलाश मंदिर में देखने आए हैं। इस समय हम औरंगाबाद में ये औरंगाबाद में एलोरा गुफा में कैलाश मंदिर देखने आए हैं। हाँ, ये गाइड है जी। यस, आई एम विजय, भारत सरकार पर्यटक कल्याण बोर्ड से आपका स्वागत है। यस, गुफाएं या केव के नाम का ठीक नहीं होता। केव का मतलब होता है नेचुरल कैविटी, जो पहाड़ में आपे बन जाती है, जिसमें जंगली जानवर रहते हैं, उसे केव कहते हैं। उस डेफिनेशन से ये केव नहीं होता। हिंदू धर्म के लोगों ने मंदिर कंस्ट्रक्ट किया, लेकिन बुद्ध धर्म के लोग फिर से वही चीज़ नहीं करना चाहते थे जो हमने पहले की। अगर बुद्ध धर्म के लोग हिंदू धर्म के लोग जैसे मंदिर बनाते हैं 100 साल 200 साल 1000 साल बाद के बुद्ध धर्म के लोगों का मानना था कोई चीज़ ऐसी की जाए जो सदा के लिए बनी। यही कारण है उन लोगों ने मंदिर कंस्ट्रक्ट किया। तो इन गुफाओं को रॉक कट टेम्पल्स, पूरे एक पहाड़ में बनाए, काटे हुए मंदिर कहना ज़्यादा बात। एक पहाड़ से बनाए गए सारे हिंदुस्तान में इस तरह के 1200 रॉक कट टेम्पल्स। 1200 हैं? हाँ, इन 1200 में से 900 जो है बुद्ध धर्म के, 200 जैन धर्म के हैं और सिर्फ 100 हिंदू धर्म के हैं। वैसे अगर देखा जाए तो हिंदू धर्म बुद्ध धर्म से जब बहुत पुराना है, लेकिन गुफाएं बनाने की जो कला है ये सबसे पहले बुद्ध धर्म के लोगों ने शुरू की थी। यही कारण है आपको बुद्ध धर्म की ज़्यादा गुफाएं देखने को मिलती है। इन गुफाओं की जो डेट है, तारीख है, ये 7th century AD से लेकर 11th century AD। अगर आपने अजंता की गुफाएँ देखी है, अजंता की गुफा की जो डेट है 200 BC से लेकर 700 AD, जिसका मतलब होता है जहाँ अजंता की गुफाएँ ख़त्म होती है तो एलोरा की गुफाएँ शुरू होती है। एलोरा की गुफाओं का, अच्छा, अजंता की गुफाओं का कंटिन्यूशन कह सकते हैं। अजंता गुफाएँ पहले बनी है? हाँ, अजंता की सारी गुफाएँ सिर्फ एक ही धर्म की है और वह बौद्ध है, लेकिन एलोरा में बुद्ध धर्म है, हिंदू है और साथ ही साथ जैन है। गुफा नंबर 1 से 12 बुद्ध धर्म की है, 13 से 29 हिंदू धर्म की है और 30 से 34 जैन धर्म की है। तो टोटल 34 केव्स हैं। एलोरा की विशेषता है कि एलोरा में बुद्ध, हिंदू और जैन धर्म के कलाकारों ने मिलकर साथ साथ काम किया। ये कारण है बुद्ध गुफा पर तो हिंदू प्रभाव देखने को मिलेगा, हिंदू गुफा पर बुद्ध और जैन का प्रभाव देखने को मिलेगा और वाइस वर्सा के इसमें। उस आधार पर कह सकते हैं उस जमाने के जो राज्य करते थे उन लोगों के पास सेंस ऑफ टॉलरेंस जिसे कहते हैं बहुत अच्छा था, और धर्म के लोगों को परमिशन दी है अपना काम यहाँ साथ ही साथ कर सके। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अजंता की तरह यहाँ की सारी की सारी गुफाएं प्लास्टर्ड और पेंटिंग है। अजंता प्लास्टर्ड पेंटिंग थी, अजंता की तरह प्लास्टर पेंटिंग। हाँ, लेकिन अजंता की गुफाएं एक अंग्रेज अफसर ने ढूंढ के निकाली थी 1819 में। एलोरा के साथ ऐसी बात नहीं थी, एलोरा के बारे में लोगों को पता था अपनी गुफाएं यहाँ है। जिस जोर की बारिश आने लगती, तूफान आने लगता तो एलोरा गाँव में रहने वाले लोगों ने इन गुफा में आकर रहना शुरू किया और उन लोगों ने प्लास्टर पेंटिंग डैमेज कर दी। ऊपर से पेंटिंग अभी भी है। हाँ, देखिए पेंटिंग के कुछ देखो, वो पेंटिंग अभी भी है वहाँ। ये ओरिजिनल नहीं है, ये वो जो व्हाइट जो दिख रहा है प्लास्टर है, रेड जो है कलर है, ये ओरिजिनल नहीं है। अच्छा, कुछ जगह हमने देखा अंदर था। हाँ, ये जो प्लास्टर पेंटिंग है ये अहल्या बाई होलकर ने करवाया है 17th century। अच्छा, ओरिजिनल प्लास्टर पेंटिंग पूरा डैमेज हो गया है। इस मंदिर को 3 बार इसका जीर्णोद्धार किया गया था, 3 बार प्लास्टर पेंटिंग किया गया था। आखिरी का जो प्लास्टर पेंटिंग है जो दिख रहा है ऊपर, अहल्या बाई होलकर। अच्छा अच्छा, वैसे इस वक्त हम गुफा नंबर 16 में हैं। हाँ, ये हिंदू धर्म की केस, इसका नाम है कैलाश। इसे कैलाश मंदिर, कैलाश, इसे कैलाश इसलिए कहते हैं कि हिमालय पहाड़ों की जो रेंज है उन पहाड़ों में एक पहाड़ है जिसका नाम है कैलाश।
और हिंदू लोगों का विश्वास है कैलाश पर्वत शिव जी का घर है, शिव जी उसमें रहते हैं, उससे आधार पर इसे कैलाश नाम दिया गया है। इस गुफा की विशेषता देखिए, ये एक बड़ा सा पहाड़ था जिसे काट कर निकाला गया है सिर्फ दो ही औजारों से, छन्नी और डायनामाइट का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया। जब भी इसे काटा गया है ऊपर से नीचे की ओर और आगे से पीछे की ओर काटा गया है। हाँ। और ये पर्टिकुलर गुफा बनाने में उन्हें 200 वर्ष लगे। हाँ। इसे राष्ट्रकूट घराने के कृष्णादि फर्स्ट ने पैसा दिया है। एक्चुअली उनके ग्रेट ग्रैंडफादर दंते दुर्ग, उन्होंने इसका काम शुरू किया था, लेकिन इसे 200 वर्ष लगे हैं इसलिए पूरा नहीं कर पाए। उनके जो नाती है ग्रेट ग्रैंडसन कृष्णादि सेकंड ने इसे, कृष्णादि फर्स्ट ने इसे कम्प्लीट किया। तो इस गुफा के शिव की तरफ देखिए, ये गुफा बिल्कुल एक रथ के जैसी है। ये रथ का आगे का हिस्सा है। अच्छा। ये शाफ्ट है। हाँ। ये ड्राइवर की सीट है, ये रथ का मेन हिस्सा है। अच्छा। और जो बड़े बड़े जानवर दिख रहे हैं आपको, हाँ। इन जानवरों के सहारे रथ जो है स्वर्ग में उड़ा जा रहा है, एक अच्छा। से व्हील नहीं है। अच्छा। जो बड़े हाथी एक हाथी यहाँ है, दूसरा दूसरी ओर, हाँ। ये ध्वज स्तंभ। वैसे ये एक ट्रेडिशनल हिंदू टेम्पल है और ट्रेडिशनल हिंदू टेम्पल के चार हिस्से होते हैं। ये पहले जो दरवाजा है इसे गोपुरम एंट्रेंस कहते हैं। ये नंदी मंडप है, अंदर नंदी। अच्छा अच्छा। ये मंडप है, असेंबली हॉल, और मंडप के पीछे गर्भगृह है, सेंट्रम सेंट्रल जैक बजाकर शिवलिंग है। वो शिवलिंग वैसे डैमेज, वहाँ पूजा होता है ना। हाँ, वो शिवलिंग डैमेज हो गया है और हिंदू धर्म में जब कोई इमेज मूर्ति डैमेज हो जाती है तो उसकी पूजा नहीं की जाती। अच्छा। खंडित मूर्ति है, इसलिए ये मंदिर अब मंदिर नहीं है, इस मंदिर में माने क्योंकि शिवलिंग खंडित है इसलिए इसकी पूजा नहीं। आइए जल्दी से आइए। कहाँ गए आप, चार लोग थे ना आप लोग। लाली आइए। हाँ, कैसे बनाया गया देख रहे, पूरा पहाड़ काट के बनाना आसान बात है। यस। कैसे आइए तुम्ही जे प्राणी म्हणाले होतं ना की प्राणी त्याच्यावर चाक नाही येत म्हणून, हो ते प्राणी हे त्याच्या। यस। एलिफंट्स, लायन्स, एक काल्पनिक, हत्ती, सिंह आणि घोडा, इमॅजिनरी आहे। ये कैसे आइए, इतनी इम्पोर्टेंट है। आधा घंटा बताइए, लंबा न कीजिए। रिसेंटली भारत सरकार ने ये, हाँ इस पे देखिए, इसको कर दिया, ये देखिए एलोरा गुफा, देखिए 20 रुपए के नोट पर, 20 रुपए के नोट पर ये एलोरा गुफा छापी गई। आइए आइए आइए, उठ मिल जाए जा जल्दी, आधा घंटा खत्म करिए। हाँ प्लीज, हाँ हाँ। देखिए ये सामने की दीवार पर सारा की सारा राम का। अच्छा। लेकिन टॉप मोस्ट लाइन है, राम जो है दर्शक के पांव पड़कर जंगल जाने की परमिशन मांग रहे हैं। अच्छा। दूसरे पैनल में जो लोग हाथी पे बैठ के जंगल की ओर चल पड़े, सेंटर में देखना आपको दरवाजा है, दरवाजा अपने नाखून जो उसके पेट पर कटाते हैं, देखिए जिससे आपको इसके साइज का अंदाजा। ये गुफा करीबन 150 फीट चौड़ी, 275 फीट लंबी और 100 फीट ऊंची, आप अंदाज लगाइए किसी जमाने में ये एक बड़ा सा पहाड़ था। पहाड़ था इस वक्त आप पहाड़ के बीच में से चल रहे हैं और करीबन
10 लाख टन पत्थर निकाला गया, पर्टिकुलर प्लेस कहाँ फेंका गया पता नहीं, किसी के उनके सामने इस प्लेटफॉर्म से चढ़ के आ रहे हैं इस पहाड़ के सामने, नहीं उसका पता नहीं चला था ना, है कहाँ फेंका गया, वो जो पहाड़ के सामने जो लॉबी है वो होती है वैली होती है, यहाँ का पत्थर निकाल के उसमें भरा गया है, जिस प्लेटफॉर्म पर आप चल कर आ रहे हैं ऊपर से नीचे की ओर और आगे से पीछे की ओर एग्जैक्ट जो रैम्प है जिसको चढ़कर आप आ रहे हैं उसका रबर पहाड़ के सामने, सोचो कैसे इसी पिलर पे ये टप टिके हुए हैं, ये सब पिलर पे टिके हैं और कैसे पहाड़ काटा गया, यही कारण है कि कैलाश मंदिर सिर्फ हिंदुस्तानी का नहीं सारे दुनिया का सबसे बड़ा आकर्षण, सबसे खूबसूरत रॉक का टेम्पल है, इसे कोई मैच नहीं, ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको ये 22 फीट डीप है, बहुत लंबा 80 फीट चौड़ा है और 80 फीट ऊंचा है, आप वजन कैलकुलेट कीजिए इतना सारा का सारा वजन हवा में तैर रहा है जिसे नीचे से कोई सपोर्ट नहीं है, इसीलिए इसे प्रिंसिपल ऑफ कैंटिलीवर कहते हैं, कैंटिलीवर कैंटिलीवर है, वो पूरे पहाड़ को लिया हुआ है, उधर से पूरे पहाड़ को लिया है, उधर सारा लोड है पहाड़ का और इधर ये कंटिन्यूवर हो गया, ऊपर नहीं है, हाँ हाँ खम्भों पर सपोर्ट है लेकिन लोड उधर है, नहीं खम्भों सपोर्ट के लिए नहीं है, खम्भे अगर निकाल दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके पहाड़ इसे संभाल रहा है, अच्छा उससे संभाल रहा, वहाँ लोड ले रहा है, हाँ नहीं समझ गया, वो समझ ये जो है वहाँ से ले रहा होगा था, कहीं ना कहीं तो कंटिन्यूवर का सपोर्ट होगा ना, वो वहाँ से ले रहा होगा, उनके पास फार्मूला था या नहीं कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं, लेकिन इसे एक चमत्कार मिराकल माना गया है, टंस एंड टंस ऑफ रॉक एंड नो सपोर्ट, आई डांसिंग शिव जी नृत्य कर रहे हैं, बहुत पॉपुलर पोज है, इसे नटराज के चेन्नई से 200 किलोमीटर दूर पर एक जगह है चिदंबरम, जहाँ नटराज का बहुत बड़ा मंदिर है और वहाँ इंटरनेशनल स्कूल है क्लास जो भरतनाट्यम सीखना चाहते हैं, यहाँ आवे तो सुबह आवे पूरा देखने का बहुत समय लगता है, बहुत लंबा है, पूरा दिन भर लग जाता है, एक घंटे में नहीं हो सकता है, ऊपर नहीं चलेंगे ऊपर, रथ जो है तो स्वर्ग नहीं कर सकते, अब यही बताएंगे ना, ये जो है कंटिन्यूअर का हिस्सा है, वो कटा हुआ है, वो शायद में कहीं निकला होगा, छन्नी निकालने से, हाँ छन्नी से कहीं कहीं गड़बड़ कहीं सही निकला होगा उससे कम, कहाँ एंड करेंगे यहीं पे, यहीं एंड करिए हम लोग घूम लें, अब यहाँ एंड करिए अब हम लोग घूम लें, 10 मिनट और बताने, भाई सब घूमने बहुत समय लगेगा, तुम नहीं समझ, 10 मिनट रुक जाइए, नहीं समझ रही ना, हमको इतना नहीं, बहुत बड़ा ज्ञाता हो जाओगे, सब घूम के देख लो एक बार, देखने में घूमते घूमते थक जाओगे, यहाँ जो है इस गैलरी में शिवपुरा सारा का सारा शिवपुरा पत्थर पर काट निकाला गया है, तो जैसे जो रिलेटेड कहानियाँ हैं वो एक पत्थर में काटी गई, यहाँ पत्थर पर काटी गई शिवपुरा 44 स्टोरीज, यहाँ ये कहानी अंधकार का मतलब होता है अज्ञान, शिवजी अज्ञान के राक्षस को मार रहे हैं, आशीर्वाद था कि खून की एक बूंद भी अगर जमीन पे गिरेगी उसमें से नए राक्षस आने शुरू होते हैं, जैसे शिवजी को मारा शुरू किया जमीन पे गिरी और नए राक्षस आने शुरू होते हैं, उस राक्षस का खून जमा करने के लिए ताकि नए राक्षस को मारना, शिवजी के चेहरे और इतनी ताकत लगाई है कि त्रिशूल का जो बीच वाला हिस्सा है उसके पीठ में से बाहर निकल गया,
क्या दिख रही है पंचक्की पर आए हैं यहाँ कहाँ दिखाई दे पंचक्की ऊपर दिखाएंगे दिखाएंगे और अंधेरा हो गया है रात में लकड़ी की हाँ ये जो है क्या पत्थर का बने भाई अच्छा ये कड़ी है क्या कड़ी रिंग है क्या है गोल रिंग है क्या रिंग हाँ हाँ ये मसाला आती है मसाला जवान लेके भागते हैं इसमें हाँ हाँ जवान तो रोशनी के अस्ते उजाले के अस्ते इसी लगाते थे अच्छा यहाँ लगाते थे मसाला लगाते थे हाँ मसाला मसाला पहले लाइट नहीं थी हाँ मसाला मसाल अच्छा यहाँ मसाला लगाई जाता दिखा दो बाहर दिखा दो ये अमरावती अचलपुर के बाबा पंचकिया के पंचकिया चल इधर से बंद हो गया तो इधर हमको दिखा दो भाई जूता निकाल देते चप्पल निकाल दे जूता निकाल अमरावती अचलपुर उजलपुर है क्या अचलपुर अमरावती राजा किंग उन्होंने बाबा था मुसाफिर बाबा के भक्त हो गए थे हाई लेवल और ये लो लेवल 6 किलोमीटर 6 किलोमीटर हाई लेवल पानी नीचे वाटर तो ऐसा पानी लाया गया हवा के सिस्टम से ये जो टोटल बत्तर का अच्छा पंचक्की का पंचक्की कहाँ दिखाई बाबा की दरगाह ये दरगाह है ना बाबा शाह मुसाफिर बाबा शाह मुसाफिर बनी में अगर बैठे नहीं हम कह रहे पंचक्की कहाँ अगर राइट साइड फिर से बता देंगे चलो आओ पहले हमें बता दो तो फिर दोबारा दिखा दें आज आ जाओ भाई आ जाओ ये जो पेड़ है क्या हाँ यार इससे 2 साल पुराना चलो और तो दिखाओ पंचक्की कहाँ दिख रहा है वहाँ दिख रहा है ये जो है क्या 10 फीट टॉल पानी में चलने वाला चक्की है कौन सा ये हाँ ये पानी में चलने वाला चक्की ये देखो पंचक्की यहाँ पानी पहाड़ से पानी आ रहा है इसी से बिजली पैदा हो पानी के प्रेशर से शक्ति घूमती है 100 kg to 100 kg 100 किलो घेहूँ जवारी बाजरी जितना भी दड़न है पीट है सब पिसे जाता था यतीम बच्चों को गरीब बच्चों को भंडारा करके खिलाया जाता था क्या
क्या पीसा जाता था? घी, जवारी, बाजरी। अच्छा, इसी से? हाँ, इसी से। लाइट, करंट, मोटर, बिजली कुछ नहीं थी। लाइट जलाओ हो? लाइट नहीं। मोबाइल ये नहीं जल रहा हमारा? कहीं नहीं जल रहा। इससे सब जला है। चाड़न, जितना भी पीट है सब पीसे जाता था। 100 किलो पानी की भी सुविधा थी और जीवन की भी सुविधा थी। बाबा शाह मुसाफिर ने पानी का पता लगाए थे, वो हाई लेवल है, ये लो लेवल है। जटवाड़ा पहाड़ी हरसुल हाई लेवल, ये लो लेवल। ये पानी जाता कहाँ है? ये खान नदी में बह के जाता, नदी में चला जाता है और वहाँ से डेली पानी आता रहता है हमेशा हमेशा पहाड़ से। पहाड़ से तो कैसे आ रहा है? पहाड़ हाई लेवल से, पाइप से, चुन्ना मट्टी पर चुन्ना मट्टी पाइप बनी है। पाइप, पाइप बना है। हाँ, वो पुराना पाइप। ये क्या चल रहा है? ये चक्की। अच्छा, इसी में पीसा जाता था? हाँ, इसी में वो गेहूँ वगैरह सब पीसा है। ये खोज किया गया था मतलब उस समय कैसे होगा। देखो कितना है बाबा हजरत शाहपुर के फकीरों गरीबों, आटे की जरूरत भी होती थी। ये झोले के 250 साल पहले पानी चलने वाले थे। 250 साल पहले ये बनी थी। सुन रहे हैं? कैमरा चालू हो गया। कैमरा से हो गया, रुक जाना बता। एक मिनट को इधर आओ। ये बीबी का मकबरा है, हम लोग आए हैं, मम्मी और हम। ये बीबी का मकबरा है, रात में आया, देर हो गया है। ये बीबी का मकबरा, ये औरंगजेब की पत्नी राबिया के लिए बना था, उसके बेटे ने बनवाया, शाह आलम ने, आजम खान ने बनवाया। अच्छा, हम लोग रात में दर्शन कर रहे हैं, दीदार कर रहे हैं इसका। ये देखिए, ये मीनारे हैं, ये मीनारे हैं, बीच में ये है। एकदम उसी तरह से ताजमहल जैसा बना है। हम एक बार आए थे तो इसमें बड़ा सब काम हो रहा था। चांदनी रात में जैसे उसको दर्शन करते हैं, काला पड़ गया है। पूरा बनाने की कोशिश किया मगर वो मटेरियल नहीं लगा पाया जो मटेरियल लगाए थे। इधर से चढ़ रहा है, ये नीचे जाने का लग रहा है क्या? हाँ हाँ, नहीं नहीं, पानी में नहीं है। उसी तरह से मकबरा है नीचे ना, ये नीचे मकबरा है। पैसा, कुछ पैसा डाल दो।
क्योंकि मोबाइल के जरिए तुम बोलो ना करे ये सब ऊपर को मीनारे बनी है देखो कितना अच्छा बना है नहीं अच्छा बना है दस पे लाइए आपके पास हाँ मीनारे नहीं है ना हमारे पास टिकट लिए थे डेढ़ सौ रुपया तो दिया था हमको कहाँ रख दिया डेढ़ सौ रुपया दिया था वो कहीं रखा है ये है डेढ़ सौ रुपया दिया था का कोई एक आदमी आता उठाता होगा अरे तो खोलेंगे ही पैसा कितना पड़ा था सब पैसे पैसे बीबी का मकबरा एक सिक्का है इधर अरे इसको फेंक दे तो निकलने पर ना चल क्या करें अच्छा ये मार्बल देखो ये मार्बल काला पड़ गया वो मार्बल नहीं काला पड़ गया कहीं कोई जेब में नहीं है ना भाई चलो नहीं है तो क्या करोगे चलो कोई बात नहीं चलो नहीं है नोटवा सिक्कवा सिक्कवा है यार फेंक दो नोट देख फेंक दो अभी वो तो मिला मिला कर रही है नहीं है तो फालतू को फेंक दो चलो चलो यहाँ पे फोटो बढ़िया आएगा देखो बीबी का मकबरा आज क्या तारीख है जी आज हम लोग 31/1/2022 को देखने आए हैं सेम उसी तरह बना ताजमहल जैसा लेकिन थोड़ा बहुत उतनी वो नहीं बनी चलो ताजमहल का एरिया ज़्यादा चाहिए लेकिन सब बना के चले गए हम लोग आज देख रहे हैं 500 साल बाद 1500 साल बाद हैं ढाई सौ साल पुराना है दो हमको उठवा तो तीन किलोमीटर है 30 रुपया किराया सरकारी बसें जाती है
देवता गुफा में के घुस रहे हैं। बैग चेक हो रहा है। टिकट कहाँ मिलेगा? उधर वागोरा नदी है ये, और यहाँ पे जो लोकल लोग हैं तो ये गुफाएं भी डिस्कवर हुई है। उनका जो निर्माण शोध लगा है वो टाइगर की बाघ की वजह से लगा है, तो इसमें ये नदी का नाम वागोरा रखा गया है। समझ में? अपने एलोरा देखा, एलोरा में हिंदू जैन बुद्ध की गुफाएं हैं। अजंता जो है सारे केव्स बुद्धिज्म बनाए गए हैं, केवल बुद्ध ही है। अजंता में दो पंथ के बुद्ध जी के गुफाएं बनाई गई हैं, एक है महायान और दूसरे हीनयान। तो हीनयान जो है वो स्तूपा को मानते हैं, और हीनयान बुद्धिज्म में ओल्डेस्ट है। क्या है? पुरानी। एलोरा से ये पुराना है। कितना पुराना है ये? एलोरा जो है 1600 साल पुराना है, जो अजंता है 2500 साल पुराना। ये जो झाड़ देख रहे हैं ये चंदन वाले पेड़ है। ये चंदन के पेड़ है? चंदन के पेड़ है। अच्छा, ये चंदन के। अभी यहाँ पे अजंता में सबसे पुरानी जो केव है वो है नंबर 9 और 10। 9 नंबर की जो गुफा है वो 9 और 10 के अंदर में, जो कि पुराने माने जाते हैं। बुद्धिज्म में पहले हीनयान को मानते थे, मूर्ति को मानते नहीं थे। जब 6वीं शताब्दी के बाद बुद्धा के मूर्ति का निर्माण होना शुरू हुआ तो मूर्ति को मानने लगे, तो मूर्ति को नाम दिया है उन्होंने महायाना। महा माने बड़ा, तो सुपा से मूर्ति को बड़ा मानने लगे, इसलिए महायाना का उसे दर्जा दिया गया। समझ में? कैसे पहाड़ बना दिया गया है? ये जो माउंटेन है, ये पहाड़ी का जो पत्थर है ये है बसाल्ट, वल्कनिक और पोरस, तीन टाइप का रॉक है इसमें। तो ये जो गुफाएं हम देख रहे हैं तो ये सारे केव्स एक ही पत्थर के अंदर में बनाए गए हैं। एक ही पत्थर है सारी जो 30 गुफाएं अजंता, एक ही पत्थर, एक ही स्टोन है, उसको जॉइंट नहीं है। एक ही स्टोन के अंदर में सारे केव्स बनाए गए हैं। तो यार आप एकदम उस लास्ट वाली गुफा पे ले जाते, सब छूट जाएगा यार, हम सब दिखाएंगे ना। हम लोग जो है अभी 9 और 10 के ऊपर जा रहे हैं। हाँ, फिर इधर ले जाएंगे ना सब। सुनो, 9 और 10 ओल्डेस्ट एंड बिगेस्ट है, उसमें मूर्ति नहीं है, उसमें स्तूपा है। अजंता में मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि अजंता में 30 गुफाएं हैं, 34 गुफा। अच्छा नहीं, यहाँ 30 एलोरा में। तो 30 में से 20 गुफाएं खाली बनाई गई है। अच्छा, उसके अंदर स्टैचू पेंटिंग वगैरह कुछ नहीं है, कुछ गुफाओं तक रास्ते बनाए गई नहीं है, और कुछ गुफा जो है टूटी फूटी है। क्यों? इस गुफाओं को बनाना तो और भी कठिन काम था। अच्छा, इसको बनने में कितना लगा? 200 साल लगा। नहीं सर, ये सारे केव्स बनने के लिए यहाँ पे 800 साल लगे थे 30 गुफाएं बनने के लिए। जो राजा लोग थे जैसे डोनेशन देते गए वैसे उनका निर्माण होता है। और 10वीं शताब्दी तक यहाँ पे जो मंक इश्यू थे यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या कि 10वीं शताब्दी में इस पे सब एसी लगा है देखो। हाँ सर, एसी भी लगा है। नहीं, एसी जो है गुफाओं के लिए नहीं है। हाँ,
गुफा के अंदर में जो लाइट्स लगे हैं छोटे छोटे, वो फाइबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट्स हैं, वो गर्म ना हो उसकी वजह से पेंटिंग को कुछ डैमेज ना हो, इसलिए उन्होंने पेंटिंग अभी है क्या इसमें सर? एक और दो में है। अच्छा, पहली पेंटिंग है सर, वही तो मेन चीज़ है। पेंटिंग जो ऊपर गुफा है, गुफा के अंदर जो पेंटिंग बनाई है ना सर, वो है 1400 साल पुरानी। अभी भी हम घर पे पेंट लगाते हैं तो 2 साल में वो फीका हो जाता है। अब ये तो 1400 साल पुरानी है तो थोड़ी बहुत तो खराब होने वाली है। धीरे धीरे करके हम लोग ऊपर चढ़ गए ना, ये को तो आ गए सर 9 नंबर के पास। पर यहाँ से जो सीनरी दिखती है वो कैसी दिखती नहीं, ये बढ़िया है ना। इधर से यहाँ से फोटो खींच लिया जाए, उधर से लेंगे सर। जैसे टूरिस्ट नहीं है ना, वैसे हम चार्जेस तो कभी कम नहीं करते, पर टूरिस्ट नहीं है हमारे। टूरिस्ट कम है उससे ओमिक्रॉन की वजह से। अरे ओमिक्रॉन हुआ और इसने भी, अभी ये शायद कल से बंद होने वाला है, ये भी बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा कल से? हाँ, लकी है आज आ गया आपको। अच्छा अच्छा, ला आइएगा। और वो जो 45 मीटर की गुफा नंबर 10 है सामने, हाँ 45 मीटर की उसकी हाइट है। उसके अंदर में बुद्धिज्म स्तूप बनाया गया है। और उसका जो बाहरी हिस्सा है, जो हम उसे आर्च बोलते हैं हमारी भाषा में, और उसे बोलते हैं चैत्य विंडो। जो पीपल का पेड़ है उसका जो पत्ता होता है, उस आकार के उन्होंने खिड़की व वो डोर्स बनाए गए हैं। क्योंकि पत्ता को जिस पेड़ के नीचे न्याय प्राप्ति हुई है वो पीपल का पेड़ था। तो इस तरह से उन्होंने 4 के उसमें विंडोज लगाए हैं, के नंबर 9, के नंबर 10, के नंबर 19 एंड के नंबर 26 गुफाओं में उन्होंने इस तरह से आर्च वाले ये बनाए हैं, और उसे चैत्य विंडोज का नाम दिया गया है। तो ये अजंता में सबसे पुरानी और सबसे ओल्डेस्ट केव्स मानी जाती है 9 और 10। और इसके अंदर मूर्ति नहीं है, इसके अंदर बौद्धिज्म स्तूप बनाया है। ओरिजिनली स्तूप होते थे लकड़े के, और उसमें जो मंक्स डेड होते थे उनकी अस्थियां रख के उसकी पूजा करी जाती थी। बट इसके अंदर में कुछ रखा गया नहीं है, क्योंकि वुडन जो है लकड़ा है 200 साल 500 साल में ख़राब होकर ऑटोमेटिकली नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे वैसा कुछ करा नहीं है, यहाँ पे उन्होंने स्टोन कट करके बुद्धिज्म स्तूप बनाया गया है। और उनका ये हेतु था कि आगे चल के फ्यूचर में लोगों को पता रहे कि बुद्धिज्म में स्तूप थे, किनियान था। मूर्ति को तो सब पहचानते हैं, पर स्तूपा को बहुत से लोग जानते नहीं हैं। तो ओरिजिनली स्तूप लकड़े के होते थे, यहाँ पे स्टोन के बनाए गए हैं 9 और 10 के अंदर। तो 9 और 10 ये सबसे पुरानी और सबसे ओल्डेस्ट एम्बिजेस्ट है। ये जो सामने केस दिखाई दे रहे हैं आप देख रहे हैं आप, ये 5 नंबर इनकम्प्लीट है, उसके अंदर स्टैचू पेंटिंग वगैरह कुछ बनाया नहीं है। 3 नंबर बंद है, वहाँ पे जाना अलाउड करते नहीं है क्योंकि वो आउटसाइड में होने की वजह से। ये 5 इनकम्प्लीट है। 6, 7 में बढ़िया बुद्धा स्टैचू है। 4 सबसे बिगेस्ट हॉल है। हम 9, 10 देखेंगे, उसके बाद 7, 6, 4, 2, 1 देख के उधर जाएंगे। और वो जो है 11 से 15 तक खाली है। अच्छा, ये 11, 12, 13, 14, 15 ये जो केव्स है ये सब खाली है। तो हम लोग को ऐसे जाना है। सुनो, देख कैसा है, आपके पास समय कम है, वो हिसाब से समय के हिसाब से हम गुफाएं देखेंगे क्या? नहीं नहीं, तो सब झटका भी दिखाते चलिए। झटका तो क्या है, चलो फिर। हाँ, देखते रहिए, क्या करना है, झटके में देख लेंगे, एक झलक देख लेंगे, एक और दो मेन वो सब देख लिया। ये अजंता की गुफा है, गुफा नंबर 10 है ये। हाँ, 10। गुफा नंबर 10 है, ये अजंता की पेंटिंग है। हाँ, शीशे मड़ी गई, ये पेंटिंग है अभी बड़ी। वीडियो नहीं करना, फोटो लेना है या फोटो ले। हाँ हाँ, ये आ जा जल्दी आ, देखो भगवान बुद्ध का ये जय। आओ चलो, सबसे पहले यानी चेतन में ज्ञान था, इसके बाद ही सब बना। इनके अंदर क्या कला हो गई थी कि अरे ज्ञान था
क्या बात आ गई कि उनको ऐसा ज्ञान प्राप्त हो गया कि जो है सबको पूरे विश्व को अपना अपना बना लिया। आओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ जल्दी आओ। आ जाओ भैया, भगवान बुद्ध के अंदर क्या था कि उन्होंने पूरे विश्व को एक बना दिया, उनकी इतनी मूर्तियाँ चारों ओर बनाई गई, क्या आ गया विदेशों में बनाई गई, भारत में लगभग 4,000 मूर्तियाँ बनाई गई। अच्छा पूरे भारत ये पानी का टैंक देखो बनाए, क्योंकि जो मंक्स रहते थे गुफाओं के अंदर में वो पीने के पानी यूज करते थे। अच्छा छोटी है ऐसी बनी। हाँ जी ये किस चीज की पेड़ हो? कड़ कड़ क्या होता है? हाँ अच्छा अच्छा गोंद निकलता है। ये तो उसी तरह बना है सब सब वही चलिए आए जो खास वाली दिखा दीजिए पेंटिंग जो है दो एक इंच यही दो है। अच्छा 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 यही से शुरू है। हाँ ठीक है दो इधर है एक उधर। हाँ ठीक ठीक आ जाओ आ जाओ बता देंगे। कई जगह कई जगह हम लोग सब कई जगह दे दिए हम तो अरे हम लोग कई जगह देख लिए ना सबको देते तो दे रहे आइए वही सब है जो वो बताएगा वही चीज तो है बताना बताइए ना चलो वही चलो देख लो चलो हमारे पास टाइम भी तो नहीं है अब हम लोग अजंता गुफा से बाहर निकल रहे हैं। यहाँ 30 गुफाएं हैं कुल 30 गुफाएं हैं ना 30 गुफाएं हम लोगों ने देखी हैं और कुछ में पेंटिंग थी अच्छी अच्छी पेंटिंग है एक दो में पेंटिंग है 16-17 में पेंटिंग है और सब गुफाएं में पत्थर काट करके बनाए गए बुद्ध जी की मूर्तियाँ बनाई गई हैं स्तूप बनाए गए हैं और
2200 साल पुराने अजंता की, यह 2200 साल पुराना अजंता गुफा है, सबसे पुरानी गुफा है ये, एलोरा से पुरानी गुफा है ये, 1600 साल की पुरानी है एलोरा, ये उससे पुरानी है, इसको बनाने में करीब 800 साल लग गए थे। अच्छा लगा अजंता? हाँ ठीक, बहुत अच्छा लगा, आपके साथ भी बहुत अच्छा लगा। अरे आप लोग खुश हो गए, हमको भी खुश कर देना आपकी तरफ से। ऐसा है हमारे पास भी ऐसा दूसरा कुछ काम धंधा नहीं है, कुछ लोग हमारे पास ऐसा पालकी का काम करते हैं धोने का। अच्छा जो बुजुर्ग लोग, अच्छा ये उठा के ले जाते हैं क्या? अच्छा एक पालकी था, 40 लोग काम करते हैं अंकल। हाँ कितना है? 40। हाँ तो 40 लोग जो है बिना सैलरी का है, खाली अप्रूव लिया गया है, ये जो है सैलरी ना होने की वजह से ये जो पैसा है एक जगह कलेक्ट करके शाम में सब में डिवाइड होता है। अच्छा ये सब आप लोग इकट्ठा करते हैं पैसा? हाँ, हमारे पास ऐसा कुछ बूढ़े बुजुर्ग है तो वो उनमें भी शेयर हो जाता है। कितना लेते होंगे चढ़ाने का? वो 1600 रुपए ऊपर चढ़ाने। हाँ सर, हमारा जो है 400 रुपए फिक्स करके दिया। हाँ हम लोग जल्दीबाजी में थे, फिर भी समय से आ गए हम लोग। आइए काशी आप घुमा दे, आप आइए काशी घुमा। हाँ नहीं लेके आएंगे, हम लोग चले गए थे और ये दिनों में नहीं आना। हाँ बारिश के मौसम में आएंगे। हाँ हाँ पूरे वाटरफॉल गिरते हैं पानी। अच्छा आओ। अरे हम लोग सारनाथ से, हम लोग सारनाथ जहाँ उपदेश पहला दिया तो वहीं से, पहला उपदेश वहीं दिया था, ये तो हम लोग मालूम हो गया कि हाँ जो है बुद्ध जी का ही।